हेलो फैम, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? आई नो आप सब खैर खैरियत से अपनी ज़िंदगियों को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज हमारा बहुत ही ख़ास दिन है, बाहर आप बताइए। सोच रहे होंगे कि तला इतना बंठन के क्यों आया हुआ, क्या बात है आज ऐसी खास? अब्दुल्ला भाई, क्या ख्याल है आपका? कोई तो स्पेशल बात होगी ना जो आया ऐसे। आज अब्दुल्ला की मंगनी हुई है, फाइनली अब्दुल्ला की मंगनी हुई। मेरी हर व्लॉग में तू किसी ना किसी की मंगनी करवा देता। कल वाले व्लॉग में तूने उस्मान भाई की शादी करवा दी। नहीं, उस्मान भाई की शादी नहीं हो सकती। अच्छा यार, सही बता दें, वो बताओ यार कौन आ रहा है? पता नहीं कौन आ रहा है, पता तो है लेकिन उन्होंने थंबनेल से देख लिया होगा, इस वजह से बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, अभी नहीं बताने की जरूरत, बताएं, बताना चाहिए हमें। मोहम्मद अली साहब और राजा साहब जो बेसिकली यूथ क्लब से हैं, वो आ रहे हैं हमारे कैंपस, बल्कि आ चुके हैं थोड़ी देर में जो है ना, हमारी उनसे ज़रा मीटिंग है, हमने उनको टाइम दिया हुआ है, तो हम उनसे ज़रा मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यार मुझे भूख बहुत लगी, पहले खाना ना खा लें। खाना बनता है, आप सब छोड़ें, आप वो देखें हमारे कैंपस में बागात, कितने प्यारे प्यारे फूल निकले हैं। आगे ना दिखाना, बस यहीं तक दिखाना। नहीं, इंशाल्लाह कैंपस अच्छा होता जा रहा है। आज ऐसे मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ ना। हाँ, सर्दियाँ आ गई यार, बेहतरीन मौसम हो गया। तला, इस मौसम की एक खुशनुमाई को देखते हुए आप कुछ कहना चाहोगे? ऐसा मौसम हो और हम अल्लाह ताला को याद कर रहे हों, उनकी क्या कहते हैं उसे, तारीफ़ों को बयान कर रहे हों। यार नहीं, मुनाफिक की तीन निशानी है। जैसे कैमरा खुलता है ये मुसलमान बन जाता है ना। नहीं देखो, मुनाफिक की तीन निशानी है, जब बोले एक तीनों बताए थे ना मुनाफिक। माशाल्लाह भाई को भी याद हो गई है, मुनाफिक की अब ये दिन आने थे। हाँ जी, जब बोले झूठ बोले। दूसरा आप बताओ, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। अल्लाह, और जब भी उस पर भरोसा किया जाए तो वो भरोसा तोड़े अगले बंदे का। और मुनाफिक जहन्नुम के सबसे निचले घड़े में होंगे। घड़े में, घड़ा क्या होता है? सबसे निचला दर्जा जिसे कहते हैं ना, जहन्नुम का होगा उसमें वो। इस बार की बात हो गई। तो ये माशाल्लाह जी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। अल्लाह पाक हमें सही तरह अमल की तौफीक दे इस इरशाद पे। तो वो सेंट्रल लाइब्रेरी जहाँ पर होगा। ओ नो, ये क्या दिखा दिया? नहीं, वो बीच में ये चीज़ें थोड़ी आ रही हैं, जूम कर देनी लाइब्रेरी को। तो फिर मिलते हैं वहीं पे इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। यार वो एक्चुअली आज उनका काफ़ी लंबा प्रोसेस था, तो वो जिन्हें से फैसलाबाद से निकल आए, इंशाल्लाह आज उन 5-10 मिनट में आ जाएंगे। हाँ, कॉन्टैक्ट हुआ है क्योंकि आज उनका काफ़ी बिजी डे है फैसलाबाद में, इसके बाद उन्हें NTU में जाना है। हाँ जी, NTU में जाना, तो आपको पता है इतने जो इवेंट्स हो गए एक साथ ना। फिर असल में मैं ऑडियंस को बताता चलूँ, ये भाई हमारे ये यूथ क्लब के रिप्रेजेंटेटिव हैं यूटी फैसलाबाद। नहीं, बहुत बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है इंशाल्लाह। ये इवेंट है ना, आप देखिए, रश दिखाओ यार, ये इंशाल्लाह सारा ये हमारे भाई है। ये एस ट्रिपल ही ने किया सारा, ये बहुत अच्छा उन्होंने, अच्छी विंड ऑफ चेंज है, विंड ऑफ चेंज है। हां, यूथ के लिए हवा भी अच्छी चल रही है, यानी नेक लोग आ रहे हैं इधर। काम होने चाहिए यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल होने चाहिए, बेहद का खात्मा होगा, विंड ऑफ चेंज है ये, सब बंदे तब्दील हो जाएंगे। आज की जालियत के दौर में ऐसे अच्छे लोग पाए जाते हैं, पटेल साहब भी हैं। अच्छा, पता क्या है, हम ना आपको ये बताते चलें कि आज ना हमने गोल सेट किया कि एक हदीस है, हमने हर एक को सुनानी है इंशाल्लाह, और सवाल कमाना। तो अब्दुल्ला भाई आपको हदीस सुनाएंगे। आपको मैं मुनाफिक की तीन निशानियाँ बताऊँगा। अच्छा, पहली निशानी में ये है कि जब भी वो बात करता है मुनाफिक, वो झूठ बोलता है। अच्छा, और दूसरी ये है कि जब भी उसको वादा किया जाता है उसके साथ, वो वादा खिलाफ ही करता है। तीसरी महान भाई आपको बताएंगे। और तीसरी ये कि जब भी उसके पास अमानत रखवाई जाती है वो खयानत करता है, या जब भी उस पर भरोसा किया जाता है वो भरोसा तोड़ देता है। नहीं नहीं, आपके ऑडियंस को मैं एक बंदे से मिलवाऊंगा इधर आए। ये وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلْمُتَّقِينَ।
आपको राइट नंबर डायल करेंगे तो बात पता लगेगी, अदरवाइज रॉन्ग नंबर से ही बात करते रहेंगे तो फिर मामला जो है वो बिगड़ जाएगा। तो हमने इन इस थीम को हम लेकर चले कि जितनी भी फॉल्स आइडियोलॉजी है ना इसको जो कंफ्यूज करती है, कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि हमारा ये मानना, आप भी इस बात को मानोगे कि जो तारीफ है ना दीन की, दीन एक ज़ाब्ता हयात होता है कि जिसको आप फॉलो करते हो, वो आपकी सोच डेवलप करता है, आपकी पर्सनैलिटी शेप करता है, आपको पूरा फ्रेमवर्क देता है, मैकेनिज्म देता है कि ये करो। यार आखिरकार पूरा हो गया, आज ये ख्वाब पूरा हो गया यार। जानी आज अली भाई से मिल, जानी मुझसे भी सलाम ले लो। जानी मुझे तो बस यही डर था उसमैन भी पिक्चर लिए गाड़ी में भी उनके साथ ही ना बैठ जाए। जानी अल्लाह, जानी ट्रेंड्स ऑफ चेंज चलना शुरू हो गई। जानी देखो नेक बंदे आए थे अल्लाह के, आज अल्लाह ने कैसी मौसम अच्छा ठंडा किया हुआ कैंपस में, कैंपस में अच्छे लोग। आपका काम पूरा हुआ, आपको कैसा लगा? बहुत, मैं बहुत, आज तो मेरी एक्साइटमेंट लेवल ही और था, जा आप सोच नहीं सकते। जानी बस यार अभी मैं घंटा लेक्चर सुन के लेक्चर सुन के शरीफ हो आऊँ तो इसलिए ना। जाने, जाने। तो आप देख सकते हैं कि स्नैन भाई की एक्साइटमेंट नहीं पकड़ी जा रही, बहुत खुश है, अच्छी बात है उनके लिए। और आप भाई जब भी डर नहीं, मैंने कहा जानी सलाम ले गए हैं ना उनसे, सलाम ये था कि तुम जो पिटा रहे हो उसके बाद ये जो पिटा रहा था। चलो बहुत हाल आपको कैसा लगा मजा यार, लेकिन मैं थक बहुत गया था यार, मैं तो उठ थोड़ी सी मोटिवेशन मैं दे दूं जाके आपको, देनी चाहिए यार। आपको तो पता है कि मैं व्लॉग भी नहीं छोड़ रहा, उधर मोटिवेशन देना शुरू कर रहा था। आप भी मोटिवेट हुए लग रहे हैं उनसे, आप आते ही थे व्लॉग खोलो भी जल्दी, स्पीकर बन सकते हो वहां। नहीं मैं वाकई खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, अच्छा लगा। आप स्नैन भाई की वजह से खुश हैं या उनके आने की वजह से खुश हैं? असल में पता क्या, अगले की फीलिंग और अगला जितना अराउज होता है ना, वो देखकर बंदा खुश होता है कि भाई बड़ी बात है। अंदर ले आओ नाजरीन, ये चेंज करना पड़ेगा कैमरा मैन, दोस्त का ले कैमरा मैन फारग है। भाई कैसा लग रहा है यार आज? यार आज माशाल्लाह मजे का सीन है। हम अपना क्या करते हैं, ये बहन पर्दा करते हैं, आप इससे भाई लिबरलिज्म को सपोर्ट करते हैं।